सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ऑल अबाउट डॉग्स। तो आज डे फोर है पपीज़ के साथ में। तो ये पपीज़ देख सकते हैं आप, कितने प्यारे से हो चुके हैं। गाइज कमेंट करके बताना कि पपीज़ की ग्रोथ कैसी है डे फोर के हिसाब से। लाइक इतना ज़्यादा तो ग्रोथ नहीं होती है, बट फिर भी लेट्स सी, देखते हैं क्या लगता है आप सभी को। तो प्लीज़ मेक श्योर एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पपीज़ की ग्रोथ कैसी हो रही है। ठीक है, डे फोर हो चुका है आज इनको, और अभी आराम से ये मिल्क फीड कर रहे हैं। ये रही हमारी अप्रैल जी। अप्रैल काफ़ी अच्छी मतलब केयर कर रही है इन पपीज़ के साथ में। होता है ना, कोई 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 मदर जो फर्स्ट टाइम बच्चे संभालती हैं, वो पपीज़ को दबा देती है नीचे और जो भी सारी चीज़ें होती हैं, बट अप्रैल इन सब चीज़ों का काफ़ी ध्यान रख रही है। वो पपीज़ को अपने नीचे नहीं दबाती है और अच्छे से उनकी टेक केयर कर रही है बिल्कुल भी। लाइक ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ मेरे को कोई टेंशन करने की ज़रूरत है, मेरे ना होते हुए अप्रैल इनका ध्यान ना रख पाए। बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है गाइस। ये देखिए एक छोटा सा पपी, शायद ये मेल है। बहुत अच्छे अच्छे पपीज़ हुए हैं गाइस, अभी कुछ भी पता नहीं चलने वाला कि लॉन्ग कोट हुए हैं या डबल कोट हुए हैं। थोड़ा टाइम लगेगा उसमें पता चलने में, अराउंड 20 डेज 25 डेज़ के बाद में ही कुछ कह सकते हैं कि कैसा कोट निकला है, कैसे बोन्स हैं। बाकी हम अपना पूरा ध्यान रख रहे हैं गाइस इनके लिए, पूरा अपना 100% दे रहा हूँ मैं इन पर। पता है गाइस, ये मतलब इतना रोते हैं, अभी स्टार्टिंग है 3 दिन तो बहुत ज़्यादा रोए हैं, फिर अब जाके इनका थोड़ा रोना कम हुआ है, मतलब चीखते हैं रोना, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, अब थोड़ा कम हुआ है इनका जो भी था, वो अब थोड़ा नॉर्मल लाइफ में बैक टू वो हो चुका है इनका। सो गाइस यही सब है, पपीज़ बहुत प्यारे लगेंगे आप सबको। देखिए ये वाला बहुत ही प्यारा है। सो ओवरऑल 3 मेल हुए थे और 2 फीमेल हुई थी, तो बहुत ही अच्छे पपीज़ हैं। देखिए गाइस टेल, देखिए गाइस इसकी कितनी मोटी सी प्यारी सी टेल है, और ये एक पपी पीछे छुप गया था। बहुत ही प्यारा डॉग है, पपी है सॉरी गाइस। अभी मैं इसको जो डाइट दे रहा हूँ उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, इसकी डाइट के ऊपर। अभी इसको क्या डाइट दे रहा हूँ जो इसके लैक्टेशन में हेल्प करती है, सो उसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। बट फिर भी एक और ऊपर ऊपर से एक आइडिया दे देता हूँ आपको गाइस। सबसे मेन चीज़ क्या होता है, एक हमारी जो घर की डाइट होती है ना, वो देना बहुत ज़रूरी होता है डॉग को। लाइक मतलब वो ज़रूरी होता ही है, उससे जो असर करती है ना चीज़, वो मतलब बाकी डाइट से मेरे को नहीं लग सकती खास असर करती है। तो मैं इसको मॉर्निंग में दलिया और मिल्क देता हूँ, ल्यूक वॉर्म कर देता हूँ मिल्क को और दलिया, थोड़ा सा उसमें हल मतलब उसमें थोड़ा सा एक छोटा सा एक मिठास कर देता हूँ, लाइक गुड़ की और जो भी होता है वो, तो वो देता हूँ इसको मॉर्निंग में। फिर इसको दिन में 3:30-4 बजे मैं इसको एग्स देता हूँ बॉईल, और वो मिल्क के साथ में, और उसमें बाकी इसका डॉग फूड होता है पेडिग्री मदर एंड पपी वाला, ठीक है वो होता है। और फिर नाइट में इसको अराउंड 9:30 और 10 तक इसको मैं चिकन और जो चिकन के जो फेफड़े वगैरह होते हैं वो खिलाता हूँ। तो उससे क्या है, काफ़ी अच्छा लैक्टेशन हो जाता है इसका। तो ये चीज़ है गाइस, इसको 3 टाइम खाना मिल रहा है, अभी 3 टाइम दे रहा हूँ, और खाती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खाती, हाथ से खिलाना पड़ता है। तो यही वीडियो था गाइस आज का। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।